झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, साहिबगंज के राबिता पहाड़िया के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आज से शुरू हो रहा है 5 दिनों का शीतकालीन सत्र और सदन के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, राबिता के हथियारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। शीत सत्र आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, काफी अहम होने वाला है ये 5 दिन। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में हंगामे के आसार और सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। काफी महत्वपूर्ण, काफी जरूरी ये 5 दिन। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले 5 दिनों तक चलेगा। सदन में हंगामे के आसार भी बन रहे हैं और सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी है। राबिता हत्याकांड के हथियारों को फांसी की सजा सुनाने के लिए मांग कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से जो 5 दिनों तक चलेगा, सदन में हंगामे के आसार भी बने हैं। और फिलहाल हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास राजेश जी? देखिए, प्रदर्शन हो गया है और अब सदन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होगी। सभी लोग अंदर चले गए हैं हाउस में। लेकिन जो विषय है उसे ये लग रहा है, जो एजेंडा है बीजेपी पक्ष का, उसे यही लग रहा है कि ये सत्र कोई शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से रबिता पहाड़िया की हत्या की गई है साहिबगंज जिले में, उस विषय को लेकर बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया है। तो अभी समझिए कि नियोजन नीति जो रद्द हुई है उस पर अलग से बात होनी ही है, प्रदर्शन होना ही है, सदन के अंदर भी होना है, सदन के बाहर भी होना है। बाबूलाल मरांडी कह रहे थे कि ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ लूट खसोट कर रही है, और जिस प्रकार से लाइन ऑर्डर स्थिति है उससे तो यह साफ स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर यह सरकार ना आदिवासी हितैषी है ना ही आम लोगों की हितैषी है। तो ये कुछ विषय है और अभी थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू भी होगी तो देखने को मिलेगा कि सदन के अंदर क्या स्थिति रहती है, विपक्ष क्या करता है। तो जो बाहर में इनका तेवर दिखा है उसे तो साफ तौर पर लगता है कि सदन की कार्यवाही बहुत सामान्य तरीके से नहीं चलेगी। हाँ, ये 5 दिवसीय यह सत्र आज से शुरू हो रहा है तो ऐसे में कई दिन है अभी, लेकिन विपक्ष के पास भी मुद्दे बहुत सारे हैं। 5ों दिन के लिए अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। सदन की कार्रवाई में ये लोग सहयोग करते हैं कि नहीं, प्रश्नकाल होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं या बहिष्कार करते हैं, यह तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर अभी इरफान अंसारी हैं, वो मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की, अभी महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि घटना तो बहुत निंदनीय है। कल जो यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई, जिस प्रकार से राबिता की हत्या की गई है उस पर मुख्यमंत्री से कहा गया है कि जो आरोपी है, जो पकड़ा भी गया है, कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित कराई जानी चाहिए, यानी स्पीडी ट्रायल के माध्यम से ऐसे केस को एस्टेब्लिश किया जाए ताकि उसे कड़ी सजा मिल सके। और इससे पहले भी जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और स्पीडी ट्रायल कराया जाना चाहिए।
अब देखिए, सत्र के शुरू होने में कुछ समय बाकी है, तो अब क्या स्थिति होती है हाउस के अंदर से हमें पता चलेगा। लेकिन तेवर जो है विपक्ष का, वो कल से ही देखा जा रहा है, जिस प्रकार से कुछ मुद्दे मिले हैं विपक्ष को, उससे तो लगता है कि वह शांति तरीके से नहीं बैठेगा। लेकिन सदन की कार्रवाई भी चलनी चाहिए, चूंकि जनता के कई मुद्दे इसमें शामिल होते हैं और सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके सवाल होते हैं, जनता से जुड़े सवाल होते हैं। ये सदन की कार्रवाई चलनी भी चाहिए और जनता का काम भी होना चाहिए, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना विपक्ष का भी काम है। तो सदन की कार्रवाई जब तक चलेगी नहीं, तब तक ये विषय, जनता के सवाल भी मुकम्मल तौर पर नहीं उठ पाएंगे जी। तो ये विपक्ष को सोचना है। वैसे सत्ता पक्ष तो अपना काम करा ही लेता है। देखिए, सत्ता पक्ष के पास समय भी है और अपना काम भी है, वो करा के ही रहता है। अनुपूरक बजट पेश होगा, उसे पारित कराया जाएगा, कई विधेयक आएंगे, उसे भी पारित कराया जाएगा। विपक्ष हल्ला करे, हंगामा करे, बहिष्कार करे, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सरकार को और सहूलियत हो जाती है कि वह विरोध का सामना नहीं करती है सदन के अंदर। तो विपक्ष को भी ये समझना होगा कि सदन की कार्रवाई भी चले, जो जनता से जुड़े विषय हैं, जो उनके एजेंडे हैं, वह भी प्रमुख रूप से आए। मुझे लगता है कि सरकार इस विषय पर जवाब भी देगी, जो साहिबगंज में जो हत्या हुई है उसके संबंध में जवाब भी देगी, और जो हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द की है उस संबंध में भी सरकार की ओर से जवाब सदन में आना ही चाहिए। यह सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी के सदस्यों की ये इच्छा भी होगी, प्रत्याशा भी होगी कि सरकार इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि एक बड़ा विषय है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के हाथ से रोजगार छिनता दिख रहा है और रोजगार के अवसर जो सरकार देने का वादा करती है, तो उसके लिए क्या नियमावली में क्या किस प्रकार से आगे संशोधन होगा, क्या होगा, या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये तमाम चीजों पर सरकार को जवाब सदन में देना चाहिए। और ये विपक्ष की भी मांग है और सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी आशा होगी जी। राजेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी राजेश। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन कुछ समय पहले जारी था और वे साहिबगंज के राबिता पहाड़िया के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।